रियांश आपका बैलून कहाँ गया? रियांश आपका बैलून कहाँ गया? शोना का बैलून कहाँ गया इसमें से? रियांश इधर देखिए मम्मा को, आपका बैलून कहाँ गया? शोना और कहाँ जाने के लिए रेडी हुए हो? कहीं जाना है? कहाँ जाने के लिए रेडी किए मम्मा? कहीं नहीं जाना है, पूजा करना है, जय 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 करना है, कीर्तन करना है ना? कीर्तन कीर्तन करोगे? जय जय करोगे? आपके मैचिंग का हो गया, आपके कपड़े की मैचिंग का बेटा। बैलून उड़ गया आपका, आपका बैलून उड़ गया और पूंछ उसकी हाथ में आ गई, आपके रियांश के हाथ में आ गई उसकी पूंछ और रियांश का बैलून उड़ गया, फुल हो गया ना? है ना शोना? है ना रियांश? आपका बैलून फुल से उड़ गया। कहाँ गया बैलून बेटा का? बेटा का बैलून कहाँ गया? उड़ गया वहाँ उधर उड़ गया। और ये क्या लिया हाथ में? हाथ में क्या लिया है रियांश? हाथ में क्या लिया है शोना? हाँ क्यों रोए थे बेटा आप? मम्मा आपको गोदी नहीं उठाई? कपड़ा पहनाने जा रही थी ना। नहीं रोती, गोदी ले ले आओ। कपड़ा पहना रही थी इसलिए नहीं गोदी उठाई ना, कि कपड़ा पहन लो फिर गोदी से चलते हैं। तो आप रोने लगोगे, आप रोने लगोगे। खेल लो, अच्छा खेल लो। आपका उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है, खेल लीजिए, खेल लो। फिर गोदी आना है, चलो निन्नी कर लो तुम। वो निन्नी आ रही, थोड़ा सा निन्नी कर लो फिर जय जय करना, ठीक है? हाँ आइए निन्नी करा दे, आइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज है दो अगस्त और आज है मंडे, भोले बाबा का दिन और सावन का दूसरा सोमवार है आज। तो आज मेरे यहाँ मम्मी सावन में कीर्तन करती हैं। हमें हर साल सावन में कीर्तन होता है। पीछे कुछ आवाज़ आ रही है, उसको आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि कुछ मशीन चल रही है शायद। तो मम्मी हमेशा सावन में कीर्तन करती हैं। तो छोटी दीदी भी आई हुई थी तो बोली कि आज ही कर देते हैं, सावन में करना ही है। अभी परसों पूजा वाली हुई है बस योदा की, कल तो करना ही था। आज मंडे था, अच्छा दिन, भोले बाबा का दिन। तो हम लोग सोची चलो आज कर लेते हैं। मेरी तैयारी हो चुकी है, वो देखिए हमने प्रसाद धो के, मम्मी प्रसाद मंगवाई, प्रसाद धो के रख दिए हैं। अभी मिठाई अंदर ही छोड़ दी है, मिठाई ले आना है वो भी मंगवाई है, क्योंकि हर साल मम्मी हलवा वगैरह भी बनवाती हैं। तो आज मंडे है, रियांश के पापा व्रत भी हैं तो इसलिए हलवा नहीं बनाए, बेसन का या सूजी का हलवा या सिंघाड़े के आटे का, तो वो नहीं खा रहे हैं व्रत में इस समय, सिर्फ रात को खाते हैं आते हैं। तो आज है कीर्तन, अभी हम मम्मी दीदी करेंगे। रियांश सो गए हैं दीदी के पास, रो रहा था सोने के लिए, हम लिए थे फिर दीदी लेके उसको सुला दी ठोक के, तब से हम रेडी हो गए, सामान रेडी कर दिए हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करने जाते हैं। और हम लोग कीर्तन करते थे बाहर भोले बाबा के मंदिर पे, जो कि पीपल के पेड़ से वो जो सब पत्ती फल वल गिरते हैं, और रियांश को लेके वहाँ बैठना ठीक नहीं है इसलिए हम लोग आज रूम में कर रहे हैं। इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3। तो चलिए हम ले आए हैं, मम्मी ढोलक भी निकलवाई हैं, वो भी बजाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से बजाने नहीं आता, ना बहुत अच्छे से डांस करने आता है, ना गाना गाने आता है अच्छे से, लेकिन मैं काम चलाऊ कर लेती हूँ ताकि कोई ये ना कहे मम्मी से कि आपकी बहू को कुछ नहीं आता। लेकिन काम चलाऊ मुझे सब आता है, मैं काम चलाऊ सब कर देती हूँ अच्छे से। ढोलक बजाने भी नहीं आता फिर भी बजा दूंगी, गाने भी अच्छे से नहीं आते फिर भी भगवान जी के गा देते हैं, देवी की। डांस भी बहुत परफेक्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आता है तो मैं कर देती हूँ। तो चलिए अभी मम्मी और दीदी को बुलाने जा रहे हैं और फिर ढोलक ले आके यहाँ रखें। धूप तो नहीं निकली थी लेकिन अभी खुल रहा है मौसम, तो धूप लग नहीं पाई ढोलक में, देखिए कैसे बजता है। तो चलिए हम प्रसाद भी ले आए, वो ले आए हैं, मिठाई लाना भूल गए, मिठाई भी ले आए, मम्मी लोग को बुलाएं। देखिए रियांश अगर सो रहे हैं तो पापा के पास सुला देंगे, रियांश के पापा के पास, अगर उठ जाएगा तब से यहाँ ले आएंगे। ओके मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। मम्मी भी आ गई, हम भी, दीदी आ रही हैं, रियांश सो गए तो अभी पापा के पास सुला दिए हैं, ढोलक लेके आते हैं। छोटिया कहाँ गई? आ रही है, इधर बैठेंगे, इधर तो और पीछे करें क्या चादर, धूप आ रही है। मेरा दोस्त था विंध्याचल, वापस करना एकदम, दीदी भी
आ गई हैं, हम लोग आ गए। रियान अब सो के उठेंगे तो बाबा पहुंचा देंगे, नीचे बैठेंगे। नीचे तक आ रहा है? हाँ तो बताइए, दरवाज़ा बंद करें कि पर्दा? पर्दा लगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कीर्तन करते थे भोले बाबा के पास, तो यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अंदर पूजा कमरे में करेंगे। तो यहाँ प्रसाद पहले मम्मी दिया और बत्ती कर दी हैं, प्रसाद चढ़ा दी हैं। ये सब दरारें हो गई हैं ना ये पीपल के पेड़ के वजह से, तो रियांश को लेके नहीं बैठ पाएंगे हम लोग, तो इसलिए हम लोग पूजा कमरे में कर रहे हैं। यहाँ भोले बाबा का प्रसाद चढ़ गया है। चलिए जय भोले बाबा। घंटी बज गई, चलिए मम्मी प्रसाद लेके चलते हैं। हाँ ले चलिए। कीर्तन शुरू करने वाले हैं। ये क्या आ गया? बिरयानी है, बाहर निकाल दीजिए इसको ना। अरे बिरयानी घर बनाएंगे। हाँ बाहर निकाल दीजिए, नहीं आएगा। जाओ बाहर जी, जाओ पर्दा ले दीजिए, फिर अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, सही सही आ रहा है ना? अरे अभी आ जाएगी बिल्कुल, नहीं हवा आएगी, हवा आएगी ऐसे तो वो लग रहा है गर्म। फिर से कर देते आज को कैंसिल? नहीं हो जाए उसमें क्या, तो कर दीजिए। Yeah.
वैसे जोर नहीं पड़ेगा आप दोनों में। हाँ ये बात ठीक है। सुनो मैं चांदक खेल प्रकाश करो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। चांदक खेल प्रकाश करो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरी विनती यही है पुकार सुनो प्रभु आप जगो। Yeah.